हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो भी सवाल हैं उसके सारे जवाब आज हम देखेंगे। चाहे आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, अगर थर्ड पार्टी अगर निकलता है कार्ड्स में कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो फिर क्या वो उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, और ऐसी बहुत सारे सवाल हम जैसे कार्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम पूछते रहेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट है, ये ग्रीन स्टोन, और सेकंड है ये पर्पल स्टोन। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग ग्रुप वन के साथ, देन ग्रुप टू। तो मैं जूम कर देती हूँ जिससे आप सिलेक्ट कर पाए। अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं ग्रुप वन की रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन, हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि विल दे रीच आउट, मीन्स क्या वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखेंगे। तो हम कार्ड से निकालते हैं जिन्होंने भी ग्रुप वन ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन Will they reach out to group one? Will they reach out to group one? यहाँ पर आया एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अभी अपने लाइफ में ये पर्सन, वो आपके साथ जो इनका प्यार है वो है, वहीं पर ही है, प्यार इनके दिल में है, पर अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ की कोई नई शुरुआत कर दी हो, या फिर इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा डर है, कुछ खोने का इनको बहुत ज़्यादा डर है, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा जो सवाल है विल दे रीच आउट, तो उसका आंसर आ रहा है नहीं। अब देखते हैं कि वो आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स। वो आपको इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो आगे कैसे बढ़े। हो सकता है इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो, रिस्ट्रिक्शन हो। तो हम देखते हैं क्या ये, व्हाट इज़ फाइव ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है पास्ट में इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा दुख मिला है, बिट्रेड मिला है, तो जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हुई है। हो सकता है आप लोग के बीच में कोई पास्ट में आर्गुमेंट हुई हो और उसके वजह से आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची हो, इसलिए आपके पर्सन अभी आपको कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये पूछते हैं कि आपके पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें अभी भी प्यार करते हैं। तो यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ आप लोग के बीच में प्यार तो है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार तो करते हैं, पर यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो आपके पर्सन जो है आपको चाहते बहुत हैं, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ कप्स है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो आपके साथ। जब आपके पर्सन हमेशा से उनकी यही इच्छा थी कि आप जैसा पार्टनर उनके लाइफ में आए, पर यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स।
ऐसा दिख रहा है कि वो आपको चाहते तो हैं, पर उनके दिल में ऐसे भी फीलिंग्स हैं कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है प्यार के लिए, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि जब उनको ज़रूरत होती है आप उनके पास नहीं होते हो, और ऐसा लग रहा है कि इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है इस रिलेशनशिप में, और जिस वजह से ये रिलेशनशिप में जो है आपको चाहने के बाद भी, जब आप इनको मिले थे इनको लगा था जैसे इनको सब कुछ मिल गया है, पर चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट मूव होने लगी और अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा नहीं था वैसे इवेंट्स आप दोनों के लाइफ में होना शुरू हो गए। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर वो बताते भी नहीं हैं, इस रिलेशनशिप से बहुत उन्हें मूव आउट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत अभी भी डिप्रेशन में है, क्योंकि अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ है। हो सकता है कि उन्हें किसी हो सकता है आपकी फैमिली से या कहीं से इन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट का भी सामना करना पड़ा है। अब हम पूछते हैं क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, कोई और है, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है, क्या उनके लाइफ में कोई और है, कोई और रोमांटिक पार्टनर है, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है, क्या उनके लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर है। तो यहाँ पर है सेवन ऑफ वैंड्स। नहीं, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा इनके लाइफ में कोई ऐसा रोमांटिक पार्टनर है। ये अभी बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में अभी ये फोकस्ड नहीं है, मीन्स ये नहीं चाहते अभी किसी भी रिलेशनशिप में ये जाए, क्योंकि अभी ये पास्ट के जो ब्रेकअप है या पास्ट के जो आपके साथ इनके रिलेशनशिप था उससे अभी ये बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी ये सिचुएशन में फाइट कर रहे हैं अपने आप से, खुद से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है हर रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, और अभी अपने आप को बहुत फोकस कर रहे हैं कि खुद एक इंडिपेंडेंट और सफल इंसान बन पाए। तो यहाँ एंड ऑफ द डेक भी है चैरियट, मींस अपने लाइफ में अब ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में जो भी हुआ इनके साथ वो अब चाह रहे हैं उन चीज़ों को ठीक करना, और अपने लाइफ के तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये रेडी नहीं है। और पूछते हैं कि आप दोनों के क्या फ्यूचर में कभी मुलाकात होगी, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है, क्या उनके पर्सन से फ्यूचर में कभी मुलाकात होगी। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन से कभी फ्यूचर में क्या मुलाकात हो पाएगी। एंजल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ बता रहा है कि अब आपके पर्सन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा इन्होंने इस रिलेशनशिप में हो सकता है सफ़र किया है, या फिर इनको सफ़र किया है मीन्स कि इन्होंने बहुत सारा दुख झेला है, बहुत टाइम इन्होंने फ्रस्ट्रेशन और उदासी में बिताया है। तो अब ये जो पर्सन है अब ये नहीं शायद आपसे मुलाकात हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, अगर होगी भी तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, होगी भी तो बहुत कुछ सालों के बाद हो सकती है, पर अभी प्रेजेंटली जो है आपसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उससे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो और साथ में हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं मूनोलॉजी डेक से। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है एंजल्स, प्लीज उनके लिए क्या गाइडेंस है। उनके लिए क्या गाइडेंस है, ग्रुप वन के लिए क्या गाइडेंस है।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये कार्ड बता रहा है कि जो पास्ट में बीत गया है उसको रोक के, उसे सोच सोच के आप आगे बढ़ने से मत रुकिए। तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप वन चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप टू चूज किया है। तो इसमें हम आपके पर्सन के बारे में ही जानेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे और जैसा आते रहेगा आंसर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे सबके मन में रहता है कि विल दे रीच आउट, क्या वो आपसे संपर्क करेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है, क्या उनके पर्सन उनसे संपर्क करेंगे। विल दे रीच आउट। टू के पर्सन क्या उन्हें कांटेक्ट करेंगे। टू के पर्सन क्या उन्हें कांटेक्ट करेंगे। क्या ग्रुप टू के पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ वही कार्ड्स लूंगी जो खुद से आएंगे। ग्रुप टू के पर्सन क्या उन्हें कांटेक्ट करेंगे। विल दे रीच आउट। एंजल्स प्लीज प्रोवाइड मैसेज फॉर दिस रीडिंग। ओके फूल। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये रिलेशनशिप को लेके इतने सीरियस नहीं थे, पर अब इन्होंने नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये आपको कोई मैसेज या मैसेज कर सकते हैं इन फ्यूचर। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारा आंसर इसमें यस आया है और यहाँ पेज ऑफ कप्स आया है, तो हम पहले ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या अभी भी प्यार करते हैं, क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन टू चूज किया है कि उनके पर्सन उन्हें अभी भी चाहते हैं। ग्रुप टू क्या अभी भी चाहते हैं। टेम्परेंस। ओके तो यहाँ जो टेम्परेंस का कार्ड है ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं और आपको चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस एक पॉजिटिव कार्ड है, आपके साथ उनका एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। साथ में ऐसा भी उन्हें फील होता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइनली रिलेशनशिप है। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप उन्हें डिवाइन से मिला है, गॉड से मिला है। मीन्स आप दोनों का मिलना तय था, ऐसे टाइप के उनके फीलिंग्स है। पर आप दोनों, हो सकता है कि आपने इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो पास्ट में, या इन्होंने आपको हर्ट किया हो, या आपने इनको हर्ट किया हो। अब फिर भी ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव हो। अब हम पूछते हैं, क्या अभी उनके लाइफ में आपके अलावा कोई तीसरा पर्सन है रोमांटिकली। ग्रुप क्या ग्रुप टू के लाइफ ग्रुप टू जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उस पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है। टू के लाइफ में ग्रुप टू जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन। एंजल्स प्लीज प्रोवाइड वन कार्ड फॉर दिस रीडिंग, फॉर दिस क्वेश्चन, क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर जो कार्ड आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ग्रुप ओके
यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वैंड्स। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जब से इनका रिलेशनशिप आपके साथ ब्रेक हुआ है, आपके साथ एंड हुआ है, उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि इनके लाइफ में कोई और आया है। अगर कोई आया भी है दूसरा रिलेशनशिप, उसमें भी उन्हें वही जो है दुख मिला है, और हो सकता है जिससे कोई थर्ड पर्सन अगर इनके लाइफ में आया भी था तो वो अब उनके लाइफ में नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है क्योंकि ये बता रहा है जो भी इनके लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं आया है क्योंकि ये अभी भी आपके साथ जो वो अट्रैक्शन है वो अभी भी फील करते हैं, वो अभी भी वो पुरानी चीज़ों के साथ है और वो चाह रहे हैं कि आप ही के साथ जो है उनका रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो, क्योंकि यहाँ पर भी फूल आया है और यहाँ पर भी एस ऑफ वैंड्स आया है। साथ में यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको पता है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो ये पर्सन सोचते हैं कि आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट हो और वो आप ही के पास वापिस आना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन उन्हें कब कॉन्टैक्ट करेंगे। ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन उन्हें कब कॉन्टैक्ट करेंगे। टू ऑफ कप्स और डेथ। तो यहां आ रहा है टू ऑफ कप्स और डेथ। तो कैलकुलेशन करें तो आपके जो पर्सन है वो आपको टू मंथ के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये है कि अक्टूबर या नवंबर तक कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, सबका टाइम अलग होगा। तो एक टू मंथ मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, और दूसरा है अक्टूबर या नवंबर में आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अब ये जब आपको पर्सन कॉन्टैक्ट करेंगे तो देखते हैं कि क्या ये आपको कोई सॉलिड रिलेशनशिप का वादा करेंगे, या फिर सॉलिड रिलेशनशिप आप लोग के बीच में होगा या नहीं। जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है, क्या वो ग्रुप टू चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे, ग्रुप टू को मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे ग्रुप टू के पर्सन। ग्रुप टू को मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि हाँ आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे। इस बार आपके पर्सन जब वापस आएंगे वो आपको वैसा ही प्यार देंगे जैसा कि आप डिजर्व करते हो, साथ में आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव होगा, जैसे कि वो सोच के आए थे, क्योंकि यहाँ पर भी आया था टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो ये आपके जो पर्सन है इस बार रिलेशनशिप को स्मूथ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और वो इक्वली आपको वैसा ही प्यार करेंगे जितना कि आप उन्हें चाहते हो। साथ में आप दोनों के रिलेशनशिप में ये चाहते हैं पूरी तरीके से अब मैरिज हो जाए, आप लोग की कंप्लीशन होगा, ठीक है। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं, और साथ में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ग्रुप टू के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यहाँ दो कार्ड्स आए हैं, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का जो कार्ड है ये बता रहा है अब धीरे धीरे सारी एनर्जीज चेंज हो रही है, आपके फेवर में आ रही है, ठीक है, आपके फेवर में आ रही है, और जो आप चाह रहे हो वो धीरे धीरे पूरा होने वाला है। तो यहाँ जो है कार्ड्स, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो ये बता रहा है कि आपने जो भी इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की, बहुत मैनिफेस्ट किया इस पर्सन को, अब वो चीज़ें आपके पास पॉजिटिव वे में वापस आ रही हैं, ठीक है। तो ये थी
थी आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा।